एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं हूँ अपने बड़ी वाली नंद के घर में। तो ये देखो, ये भैया और ये उनकी देवरानी का लड़का, हम लोग बैठे हैं अभी। और अभी बजे है सुबह के 11, तो अब फिर हम बातें कर रहे थे। और ये ब्लाउज है, ये भी लेके जाना मुझे सिलने के लिए। मैं आप लोगों को ना घर दिखाऊँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका घर। तो सुबह आ गए थे हम लोग और अभी यही रहेंगे, फिर जाएँगे हम वापस पूरे। ऐसे कर दो टाटा, टाटा कर दो टाटा, टाटा कर दो टाटा, टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा टाटा बोलो, आओ आओ। टाटा कर ली, टाटा 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 बिंदी, टाटा टाटा कर लो, टाटा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मूवी चल रही थी पुरानी, तो वही हम लोग देख रहे थे। भैया और हम लेटे थे। अभी है ना अप्पी आ जाएंगी, तो ये साड़ी दिखा रही थी, बोली थी इसका ब्लाउज उनको है ना पीस नहीं मिला था, और ये फ्रोजी कलर की है साड़ी नेट की। तो मुझे है ना बोल रही थी कि इसका अगर ब्लाउज मिले तो आप सिल देना। तो जब मैं जाऊंगी ना सागर वापस से, तो उनके लिए ये सिल दूंगी। और एक ये ब्लाउज पीस है जो मुझे लेके जाना है सिलने के लिए। तो अब मैं उनका घर दिखाती हूँ आपको। तो पहले हम टीवी वाले कमरे में थे, अब ये बीच का कमरा है जिसमें किचन अटैच है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका घर, खुला खुला सा किचन लगता है और बहुत बड़ा बाहर आंगन है जिसको बाड़ा भी बोलते हैं। तो ये फ्रंट रूम है जो ऐसे सजावट है। अभी उनको है ना सोफ़ा वगैरह लेना है, क्योंकि उनका घर अभी बन के तैयार हुआ है। पहले है ना सामने जो कच्चा सा दिख रहा होगा वो ब्लू कलर का, उसमें रहते थे, फिर ये बन गया घर। तो ये देखो, ये है फर्स्ट रूम एंट्रेंस, ये जो है ना पहला, ये हो गया हॉल जैसे। और जी आ गए थे वापस से, तो बैठे थे खाना खाने के लिए। ये किचन अटैच है और अप्पी को बहुत पसंद है घर सजाना, और वो सच में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हैं, बहुत साफ़ सफाई। मतलब उनके घर में गंदगी तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, पानी के डिब्बे वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ रहते हैं घर से बहन के। तो रास्ते में मतलब सागर में रिलायंस से हम सामान लेके आए हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या चीज़ कितने का मिला है। तो मैं लेके आई हूँ, सबसे पहले ये दिखाती हूँ, स्लाइस का मैंगो ड्रिंक है। इसका प्राइस है 99 और ये मुझे मिला है 79 का। और स्नैक टमाटो केचप का है ना, मैं ये लेके आई हूँ, इसका प्राइस है 75। तो ये मुझे हाफ रेट में मिला है ये, क्योंकि अभी है ना रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट में अच्छा ऑफर चल रहा था। ये मेरे 2 महीने को हो जाएगा सॉस। और आज है ना बाय वन गेट वन फ्री जो रहता है ना, उसमें आप एक भी ले सकते हो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है आपको दोनों लेना पड़ता। तो इसमें MRP 75 लिखी है, ये मुझे मिला है 38 का मिला। हाँ, ये मुझे मिला है 38 का। और मैं लेकर आई हूँ ये पास्ता, ये वाला होता है ना, ये इसमें भी डिस्काउंट वाला, ये 35 का। तो ये 28 का मिला है मुझे, 35 वाला 28 का पास्ता, मैगी पास्ता। और ये लेके आई मैं हरी चटनी, ये 15 रुपये की मिलती है। आज है ना ऑफर के कारण है ना सस्ता मिल रहा था, मोबाइल में भी मैसेज आ रहा। ये लेके आई हूँ बिस्किट, साबुन पेयर्स की देखो, विटामिन सी वाली। और ये वेफर्स 2 लेके आई हूँ, 25-25 के हैं। 5 लेके आई हूँ बिम, 5-5 वाले बिम साबुन, ये 5-5 वाले बिम। और टाइट सॉरी नॉट करना टाइट लेके आए 4, देखो 4 टाइट साबुन है, टाइट का निर्मा है। इस बार मैं टाइट लेके आई, तो हर बार सर्फ़ और ये मेयोनीज, ये तो समथिंग 2-3 महीने को हो जाएगी। ये भी हम लोगों को कम रेट में मिली है, 100 रुपीज़ की, 200 के 100 का मिला।
तो ये अगर जैसे ऑफर नहीं रहता ना तो ये आपको 200 की है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये कम मिलेगा, बाकी आपको इतने मिलेगा। बस इतना ही सामान लेके आई मैं ग्रोसरी का, ज़रूरी था लाना, फिर क्या पता कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे इस वजह से, और मेरा मेरे को कितनी बचत हुई है, 306 रुपये की बचत हुई है। और मेरे पास अभी है ना 18 क्वाइन भी हैं, बैलेंस है जियो मार्ट में 18 रुपये, तो मैं सोच रही हूँ और जुड़ जाए, फिर देखते हैं ना क्या होता है। बस इतने सामान है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वाला ब्लाउज है ना, ये ब्लाउज वेलवेट का है और ये पता है 50 रुपये की पीस है, मतलब अब भी बोल रहे थे 50 की, तो उनका ब्लाउज सिलना है ये देखो, अच्छी डिजाइन का है ये पूरा बॉर्डर, ये है प्लेन, ये पता नहीं कैमरे में क्यों ऐसा दिख रहा बट एकदम अच्छा है, ये पूरा डिज़ाइन बनी है, ये तो 11 में जाएंगी, और ये तो समथिंग 1 मीटर है, देखो 1 मीटर 50 रुपये का मिला था ये, तो उनका ब्लाउज सिलना, जब मैं इसकी भी कटिंग करूँगी ना तो वो दिखाऊंगी। बाकी और कुछ नहीं, इतना ही सामान लाई हूँ, अभी घर का सामान लाना बाकी है, तो भी जब लेके आऊँगी ना तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड हम लोग आ गए थे, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी ना अपने नंद के घर, तो आप लोगों को उनसे मिलाऊँगी, उनसे पूछ के कि वो मतलब कैमरे में आना चाहेंगे कि नहीं। फर्स्ट टाइम ये लगता है कि क्या पता उनको पसंद हो या ना हो, और बाकी वो सीधी सादी हैं, वो अगर मैं बोलूँगी तो वो आ जाएंगी। और उस टाइम है ना वो खाना बना रही थी, मतलब खाना बन गया था, पराठे सेक रही थी इनके लिए। तो फिर हम लोग निकल आए थे शाम को, ये रेस्ट किए, मैं बैठी थी, फिर हम लोग शाम को वहाँ से 5 बजे कि 4:30 बजे आ गए थे। तो ये अभी है ना जब मैं वहाँ से आई हूँ तो पेट में आप स्वेलिंग देख रहे हो, अभी मुझे दवा खाना है, तो मैं सर में ऑयलिंग करके मैं सोची सारा सामान जमा दूँ जो लेके आए थोड़ा बहुत, और पहले का सामान रखा था, तो मैं क्या करती हूँ 1 महीने सॉस वगैरह ले लेती हूँ, और 1 महीना आटा ऊँटा ये सब चीज़ें होती हैं ना वो एक्स्ट्रा ले कर रख लेती हूँ। तो इस बार हम रिलायंस गए थे और अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा वहाँ पे, तो जो भी मेरा वीडियो देखे अगर जाना चाहे तो अभी 7 दिन का अच्छा बम्पर ऑफ़र चल रहा है, आप ग्रोसरी में निर्मा साबुन, मेरा टाइड उसमें है ना कितना 89 या कुछ रुपए लिखा था और 10 रुपए की छूट में मिला। तो फ्रेंड अभी ऑफ़र चल रहा है, तो आप भी है ना रिलायंस में जाओ और ऑफ़र का फ़ायदा उठाओ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें।